ये जो घटना है इसमें एक सिंहन जिसके दो कब्स हैं वो अपने साथ में एक लेपर्ड के कब को भी रख रही है। ऑब्जर्वेशन में ऐसा मिला है कि वो अपने साथ ही उनको पानी पीने ले जाती है अपने बच्चों के साथ में लेपर्ड के कब को, और अपना ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही है। और उस एरिया में जहाँ और वन्य प्राणी हैं तो उनसे उस लेपर्ड कब को अपने कब के साथ साथ संरक्षण भी दे रही है। ये घटना जो है वो बहुत अभूतपूर्व है, इसलिए क्योंकि सामान्यतः दोनों लेपर्ड और लायन एक साथ दो बिग कैट्स खास करके कब्स के समय में रहते नहीं हैं, पर ये उस लायनेस का जो माँ लायनेस है उसकी मातृत्व, उसका कंपैशन, उसका बड़ा हृदय दर्शा रहा है। और ये एक अपने आप में एक अनोखी प्रकृति की गोद में गिर के अंचल में होने वाली एक अनोखी घटना है। हम लगभग हमारा जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, हमारा बीट गार्ड, फॉरेस्टर और आरएफओस इंक्लूडिंग ट्रैकर्स इस घटना को पिछले 5-6 दिन से ऑब्जर्वेशन में है। और जब हमको कंफर्मेशन हो गया कि बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्ड, हमने ट्रैप कैमराज भी लगाए, हमने उनको ऑब्जर्वेशन भी किया, और स्टाफ तो उनकी सतत ऑब्जर्वेशन कर ही रहा था जस्ट टू कि हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकें। और मुझे कहने में खुशी हो रही है कि हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से इस इवेंट को डॉक्यूमेंट किया है, जो कि स्टाफ बधाई का पात्र है। नहीं, लेपर्ड कब ऑर्फन है इस बारे में कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि हमने तो जब से देखा है तब से लायनेस के साथ देखा है, तो वो कैसे लायनेस के कब्स के साथ आ गया या लायनेस ने कब अपना लिया है, बिगनिंग वाली घटना के हम में से कोई विटनेस नहीं है। पर हाँ, हो सकता है कि जनरली ये जितने भी बिग कैट्स हैं वो अपने बच्चों को छुपा के शिकार और पानी पीने और भ्रमण के लिए जाते हैं, उस दौरान बच्चा छूट गया हो और साथ में बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बच्चों के साथ जाने लगा हो और माँ ने उसे अपना लिया हो। हो सकता है कि उसी विस्तार में उसकी अपनी माँ भी हो और शायद सिंहन के कारण अब वो सामने ना आ रही हो, तो ये भी एक परिस्थिति बन सकती है। पर ये सब संभावनाएं हैं, मैं इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आप कह सकते हैं जंगल बुक का अगर उद्धरण लें तो लेपर्ड का बच्चे को हम मोगली कह सकते हैं, और जो माँ है वो रक्षा नाम था उस मूवी में, उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी जैसे आपसे बात हुई तो हम रक्षा कह सकते हैं, अभी तक नाम तो था नहीं, पर हाँ, वी कैन कॉल हर बिकॉज उसका इतना बड़ा हृदय है और उसमें इतना मातृत्व है कि वो एक लेपर्ड के बच्चे की भी रक्षा और देखभाल कर रही है, तो उसका नाम रक्षा ही रखा उचित होगा। ये घटना गिर पश्चिम विभाग की है। लायनेस के दो बच्चे, उनकी उम्र लगभग 3 महीने के आसपास है। लायनेस उसके साथ नहीं है, पर उस विस्तार में बाकी वन्य प्राणी हैं, पर अभी फिलहाल लायनेस अकेली है और उसके साथ दो बच्चे हैं और एक लीपड़े का बच्चा है, लेपर्ड का बच्चा है। अभी हमारा स्टाफ उनको जाता है देखने, पर एनिमल कितने दिन एक ही विस्तार में स्थायी रहे ये कोशिश है, उसको ट्रैक करते रहेंगे कि जब तक पॉसिबल है। पर हाँ, दोनों बिग कैट फैमिलीज हैं एंड बच्चे ने मिल्क पीना स्वीकार कर लिया, दैट मीन्स उसको अच्छा ही लग रहा होगा, और माँ तो माँ ही होती है, तो उसके लिए कंपैशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है कई बार। ये जो घटना है ये एक हम कहें तो अपवाद ही है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अब ये घटना प्रकृति की देन है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आप्राकृतिक संयोग नहीं है। तो अगर
बच्चा कितने दिन तक इन बच्चों के साथ रहता है, या सिंहन को अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन में एहसास हो कि शायद वो बच्चा उसका नहीं है, या वो बच्चा लेपर्ड का बच्चा किसी भी तरीके से अपने मूल परिवार में भी मिल सकता है, तो वो सब संभावनाएं हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, बट इट इज़ ए डेवलपिंग स्टोरी।